हम लोग बात कर रहे हैं फुरकान आबिद के साथ, जिन्होंने 665 मार्क्स स्कोर किया है रिपीट करने के बाद, और उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप रैंक नीट में आएगी। फुरकान, एक इशू जो शाहीन के और बल्कि पूरे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये फिजिक्स का क्या करना है, कैसे फिजिक्स पढ़े? फिजिक्स के लिए तो सबसे पहले माइंड सेट को चेंज करना है अपने, बिल्कुल, जो मतलब सबको डराता है वो, मुझे भी डराया था, तो वो डरना कम करना होगा। और उसमें आपको यह है कि एक सिक्वेंशियल मेथड में आपको, मतलब जैसे वहाँ एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप फार्मूलेज कैसे याद करें, क्योंकि अगर आप 2 साल के पूरे 11th 12th मिला के फार्मूलेज देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए सबसे बेटर है कि जैसे ही आपका फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर कम्प्लीट हुआ तो उसके फौरी बाद आप एक छोटे से नोट्स में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फार्मूला है वो आप लिख लें, वो लास्ट में हेल्प करता है रिवीजन के टाइम पे। तो जो एक मतलब फार्मूले की जो प्रॉब्लम है वो ऐसे आप कर सकते हैं हैंडल, और एक माइंडसेट हुआ। और एक ये है कि आप टाइम, क्योंकि पेपर में जब आते हैं तो एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता फिजिक्स के लिए स्पेशली, तो उसमें है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो ये एक यही इशू रहते हैं ज़्यादातर फार्मूलाज का स्पीड का, तो वो चीज़ आप प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करेंगे कंसेप्ट बनते जाते हैं खुद ब खुद। एक ये भी रहता है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते जाएंगे कंसेप्ट खुद ब खुद आपको इजी लगता है वो, फिर आप खुद मेथड आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर मेथड लगना। मतलब फार्मूलेज पर फोकस करें, स्पीड पर फोकस करें और इसके लिए प्रैक्टिस करें। अच्छा, एग्जाम में कैसे आप अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में टाइम बांट देते हैं, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है? एग्जाम में अगर वीकली टेस्ट की पहले मैं बात करूं तो मैं कोशिश करता था बायो जितनी फास्ट हो सके उतना फास्ट करूं, बट टीचर जो थे हमारे नदीम सर वो बोलते थे 55 मिनट्स लग रहे हैं तो ठीक है, 1 आवर भी लग रहे तो ठीक है, बट मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा मतलब अगेंस्ट था। मैं कोशिश करता था कि भाई 40 मिनट्स में। तो वीकली टेस्ट में कभी कभार ऐसा हो मैं हाफ एन आवर में बायो भी कम्प्लीट किया, ओके, कभी कभार जब टफ आता था तो 45-50 मिनट्स भी चल जाते थे, तो वैसे रहता था, फ्लक्चुएशन थोड़ा रहता था। और स्टार्टिंग में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम तो टाइम लगता था बायो में, तो उस चीज़ को मैंने ऐसे किया कि साल में स्टार्टिंग में अगर फॉर एग्जांपल मुझे 55 मिनट्स लग रहे हैं बायो में तो उसको मैं 55 से 50-45 सीक्वेंस में पेपर्स में प्रैक्टिस, क्योंकि इसी लिए होती है, तो उसको मैं कम करते गया और वो हेल्प भी किया नीट 2021 में। बिल्कुल वो चीज़। और एग्जाम में प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सारी पढ़ाई सही से करके जब एग्जाम में बैठते हैं तो परेशान हो जाते हैं। वो मेरे साथ भी मतलब क्योंकि हाँ। अब मैं क्योंकि 2 बार 3rd टाइम दिया नीट एग्जाम तो एक्सपीरियंस हर तरीके के हुए मुझे, प्रेशर भी मतलब आया, बट जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ इतना प्रेशर नहीं आता, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका कि भाई मैं इतनी पूरे साल भर बैठ के मेहनत किया हूँ। तो खुद ब खुद आपका ये होगा कि अगर आप मेहनत अच्छे से ईमानदारी से कर रहे हैं तो वो प्रेशर वाली बात नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है उतना। अब आपके 665 मार्क्स आए हैं 720 में, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा तो एक अच्छी रैंक आपकी आएगी। अब आगे अब आपका क्या प्लान है, अपनी क्लिनिक खोलना है, मल्टी स्पेशलिटी किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करना है, या अभी कुछ प्लान नहीं है, अब आगे देखें? स्पेशलिटी के लिए तो मैं कार्डियक की तरफ मैं सोचा था। अच्छा, प्लान कर चुके हैं जी, माशाल्लाह। और जहाँ तक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं क्लिनिक है तो मैं हॉस्पिटल में काम करना नहीं बल्कि हॉस्पिटल खोलने का मेरा मतलब इंशाल्लाह। मैं क्योंकि यही चीज़ शाहीन से सीखा हूँ, जैसे यहाँ पे ब्रांचेस का बहुत ब्रांचेस खुलते रहती हैं, तो उस टाइप से मैंने माइंड सेट बनाया था कि भाई एक चीज़ एक जगह टिक के नहीं बैठना है, कि भाई अपने पास वहाँ खोल ली हैं वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, बट मैं शाहीन से ये चीज़ सीखा कि अराउंड द आपके क्या है कंट्री में वहाँ तक रीच करने का मैं सोचा हूँ के इस चीज को मतलब एक्सटेंड करूंगा। हम लोग इस वक्त बात कर रहे थे फुरकान आबिद के साथ। फुरकान आबिद दिल्ली से बिदर आए नीट की तैयारी करने के लिए, यहाँ पे हॉस्टल में रह के तैयारी की, 665 मार्क्स स्कोर किया है, इंशाल्लाह आगे डॉक्टर बनेंगे और बड़े ख्वाब हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये अपने ख्वाब को पूरा करते हुए आगे बढ़े इंशाल्लाह।